सब्सक्राइब करो सुपर राजस्थानी को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है समय। यह ना तो खरीदा जा सकता है और इसे ना ही रोका जा सकता है। इसी समय में बंदे हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुपर राजस्थानी चैनल पर कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, इसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। समय निकल रहा है तो इसी समय के निकलते आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आप जानते होंगे कि देश भर में बारिश का कहर जारी है। सुना होगा कि मुंबई में सबसे ज़्यादा बारिश है और कई जगह पर पानी भर गया है, जिससे यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो आइए आपको अवगत कराते हैं और ले चलते हैं मुंबई के ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी भरा हुआ है और लोग उस पानी के बीच से अपनी रोजी रोटी के लिए अपने काम की ओर जा रहे हैं। मुंबई में दिन हो या फिर रात, यहाँ काम करने के लिए लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और अपने काम से ज़्यादा प्यार करते हैं। मुंबई के लोग सुबह होते ही झोला लेके निकल पड़ते हैं और उस झोले में एक डब्बा डाल देते हैं। उस डब्बे में खाना होता है। ज़्यादातर लोग मुंबई के ठंडा खाना ही खाते हैं ताकि उनके परिवार वाले गर्म खाना खा सके। ये जो आप नज़ारे देख रहे हो, यहाँ पर कल तक कुछ ज़्यादा ही पानी था लेकिन आज बहुत कम हो गया है, जिससे यहाँ यातायात फिर से चालू हो गया है। मुंबई में जब मानसून आता है तो किसी के लिए वरदान और किसी के लिए अभिशाप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हो जाए तो घरों में पानी घुस जाता है। मुंबई में ज़्यादातर आवाजाही रिक्शा और टैक्सी से होती है और इसकी वजह है ट्रैफिक। यहाँ लोग अपनी खुद की गाड़ी बहुत कम यूज़ करते हैं। यहाँ ट्रैफिक हमेशा ऐसे ही रहती है। मुंबई की सड़कों पर हमेशा गाड़ियों का तांता ऐसे ही बना रहता है। पवित्र महीना श्रावण भगवान शिव को मनाने के लिए नंगे पांव यात्रा करने वाले कावड़ यात्री। यह है मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई लोकल, जिसमें हजारों लोग ट्रेवल करते हैं। और मुंबई की लाइफलाइन में होने वाली भीड़ नए लोगों को डरा देती है। यहाँ ट्रेनों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। सपनों का शहर मुंबई, कोई यहाँ पर बाजी मार लेता है तो किसी को वापस निराश होकर घर की ओर लौटना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अनजान जगह पर गहरे पानी में ना उतरे, अपने परिवार के बारे में सोचे और अपने दोस्तों को भी यही सलाह दे कि वो भी गहरे पानी में ना उतरे और इस बारिश में ना ही कोई स्टंट करने की कोशिश करे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा।